हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ कुकिंग। मेरे साथ है अमिता बगई। पिछले वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस आया, आज देखें क्या दिखा रही है वो। हेलो अमिता। हाय आशा जी, सो नाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। आज मैं आपको ट्रेडिशनल नींबू का अचार, विच इज वेरी सिंपल, माई ग्रैंड मदर यूज टू मेक, माई दादी, एंड इट डजंट हैव मच ऑफ स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स, and it is very good for digestion and it is oil free, that's the best part. We have it with moong ki dal and onion, kacha pyaaz. ye aadhe nimbu ke aap ras nikal rahi hai, aadhe nimbu ke ras nikal rahi hu because ye ras mein hi fir khatta ho jayega na. okay, and aadha nimbu hai wo doodh mein rakhenge roast to galta jayega dheere dheere. okay, it will be ready within 10 to 15 days. ras nikal ke wahi nimbu aap uske andar bhi daal andar bhi daal rahe. okay, ye aadhe nimbu ke khali na, aadhe aadhe nimbu, thoda thoda ras, thoda thoda nimbu. Okay. It becomes easier for the lemons to. नहीं तो अगर आप बार बार उसको धूप में रखेंगे, एवरी डे यूल कीप इन द सन, वैसे भी द जूस इज गोइंग टू ब्लेंड विद द लाइम, बट दिस वे इट गेट्स अ लिटिल ईजी फॉर द, आई एम डूइंग ईजी वर्क फॉर द लेमन्स ना, उनको थोड़ी हेल्प कर रही हूँ. दिस इज डन, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉप इट विद ऑल द मसालाज एंड देन कवर इट टाइट अप विद अ क्लॉथ एंड देन जस्ट शेक इट अप एंड पुट इट आउट इन द सन. अभी ये जो जीरा और अजवाइन मैंने गरम किया है ना, भूना है इसको अच्छी तरह से, यू कैन सी रोस्टेड है. आई एम गोइंग टू ग्राइंड इट कोर्सली. देयर इज नो टेंशन ऑफ मिक्सिंग बिकॉज वो बाद में उसको हिलाऊंगी तो अपने आप मिक्स हो जाएगा. नाउ आई एम पुटिंग 3 to 4 टेबलस्पूंस ऑफ शुगर. If you like it more pungent, more sweetened, khatta, so you can add little more. अगर गुड़ डालना, गुड़ डालना है तो अराउंड 100 ग्राम, 150 ग्राम गुड़ के टुकड़े करके छोटे छोटे पुट इट इन, धूप में अपने आप गल के मिक्स हो जाएगा. ये सब मैं अंदाजे से डालती हूँ. हींग, थोड़ी हींग, थोड़ा चाट मसाला, दिस इज रॉक सॉल्ट. I don't use white salt. वैसे मोटा नमक यू कैन ऐड 1 tablespoon इफ यू वॉन्ट. आई जस्ट यूज़ ओनली रॉक सॉल्ट एंड चाट मसाला तो उसी में हो जाता है काफ़ी सॉल्टी. दिस इज दैट पनीर मसाला. ये मिर्ची, आई यूज़ रेड चिली फ्लेक्स बिकॉज ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है. एंड दिस इज चाट मसाला. Now I'm going to put vinegar. बस हो गया, हो गया, हो गया. अभी ये कपड़ा है, ये जो अचार है इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, एयर से खराब हो जाता है. सो टू मेक इट एयर टाइट, आइदर यू कैन यूज अ ग्लास बॉटल विच हैज अ लिड विच इज वेरी एयर टाइट. इफ यू आर यूजिंग दिस देन यू हैव टू मेक इट एयर टाइट. सो आई टाइट विद अ क्लॉथ and then I put the lid. Shake it nicely. And put it in the sun. Every morning you keep it in the sun, evening please pick it up. Okay. ओस नहीं जानी चाहिए, फिर अचार खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा. And do this for continuous 10 days. 10 days. Yeah, कड़क धूप में. हाँ, कड़क धूप में. तो धीरे धीरे अचार और सब मिक्सचर्स ब्लेंड होके अचार जो उसका जो छिलका है वो सॉफ्ट होता जाता है, ब्राउन हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज रेडी. बीच में खोल के देख सकते हैं, देख सकते हैं, बट नॉट टू पुट योर फिंगर्स इनसाइड, नॉट टू यूज गीला वाला चम्मच. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर इज नो प्रिजर्वेटिव इन दिस, तो वो खराब हो जाता है. ओके, सो दिस इज डन. डन, यस, डन. ओके, ये आपके पास ऑलरेडी रेडी अचार है वो दिखाइए. हाँ जी, ये है. This is ready-made. Already I have made it. I reuse it all through the year. इसमें मैंने गुड़ डाला है. खट्टा, खट्टा. मस्त. It's very digestive. एनर्जी आ गई मुझे एकदम. It's really very digestive. एंड सीधे लिंबू.
ये बनने के बाद है हाँ? नहीं अभी और गलेगा, इट विल बिकम एब्सोल्युटली ब्राउन एंड सॉफ्ट. ओके, अनदर 4-5 डेज इन द सन. हाउ इज इट? आई हैव नो पेशेंस, मैं अभी खा रही हूँ. खा लीजिए. आप मुझे बताइए, मेरे मुंह से पूरा पानी आ रहा है. टेल मी फ्रेंड्स, आप खुद बनाओ और मुझे बताओ कमेंट्स में. प्लीज सब्सक्राइब अमिता, यू आर द बेस्ट. ओह.